बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की बहन एक बार फिर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इस बार वो किसी घोटाले को लेकर नहीं बल्कि दो बोरी चावल को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल रेखा मोदी ने किराना दुकानदार से दो बोरी चावल खरीदे और उन्हें घर पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन दुकानदार किसी कारण के चलते उनके घर चावल नहीं पहुंचा सका तो रेखा मोदी दुकानदार के पास पहुंची और हंगामा करने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दुकानदार को दांत से काट लिया। बहन ने चावल को लेकर बाजार में जमकर हंगामा किया और थाने के बाहर लेट गयी। हेलो हेलो, जिसके बाद अफरा तफरी और बढ़ गई। मामला डिप्टी सीएम से जुड़ा होने की वजह से पीरबहोर थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों कुछ देर तक परेशान रहे। आखिरकार दुकानदार से रेखा मोदी को चावल के पैसे दिलवाकर मामला शांत करवाया गया।